2021 को जो असेंबली इलेक्शन है उसको लेके अब तक हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन किसको टिकट दिया जाएगा और ये नहीं होगा उसका डिस्कशन अभी तक कुछ हम लोग का पार्टी का तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा हिसाब से कुछ डिस्कस हुआ नहीं है। और इसलिए अभी तक कौन 16 हाफ लॉन्ग एससी एलएसी यहाँ से कौन टिकट मिलेगा उसको बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस अभी शुरू हुआ नहीं है। आगे जब एमएलए इलेक्शन डिक्लेयर होगा, इलेक्शन नोटिफिकेशन होगा, तो भी उसका करीब करीब में हम लोग जो इंटेंडिंग कैंडिडेट है उन लोग से एप्लीकेशन हम लोग रिसीव करने के लिए उन लोग को इन्वाइट करेगा। जो जो कॉन्टेस्ट करना चाहता है सबको राइट है कि पार्टी में जितना लोग है सबको राइट है कि अपना जो व्यू है कॉन्टेस्ट करना या इंटेंडिंग जो कैंडिडेट है उन लोग से अपना टिकट मांगने का सबको राइट है, लेकिन उसके लिए अभी तक हम लोग का कोई प्रोसेस हुआ नहीं है। और आगे जाके जब इलेक्शन नोटिफिकेशन होना होगा तो उसी समय में उस सबका प्रोसेस होगा। तो इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि अभी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, नया या पुराना, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोग का उस स्टेज में अब तक है ही नहीं है हम लोग का। तो सिर्फ आने वाला 7-8 महीना में असेंबली इलेक्शन होगा, तो उसके लिए हम लोग जोर शोर से हम लोग उसका इलेक्शन के लिए प्रोसेस चल रहा है। हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रेंग करेगा, कितना अच्छा होगा, उसके लिए हम लोग जो भी पार्टी का कार्यक्रम स्टेट लेवल से हो या सेंट्रल लेवल से हो जो भी वहाँ से देते हैं उसको भी करते हैं। और उसके बावजूद भी उसके अलावा कोई अगर यहाँ भी कोई प्रोग्राम करना है तो उसको हम लोग यहाँ के लिए देख करके हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा अच्छा है वो देख करके हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं पार्टी के लिए।